हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस तरह की लटकन बनाना सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए फैब्रिक, जिस कलर की आप लटकन बनाना चाहते हैं वो फैब्रिक, पोम-पोम बॉल। और इसकी हाइट मैंने इतनी ली है, आप चाहें तो इसकी हाइट और भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पोम-पोम बॉल यूज़ कर सकते हैं तो ये और भी लंबी बन जाएगी, और भी आप इसे कलरफुल बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह के कोन बनाएंगे। जिस कलर की आप बनाना चाहते हैं उस कलर का फैब्रिक लेके पहले आप सीढ़ी की सहायता से गोल काट लीजिए, फिर इसको दो भागों में कट कर लीजिए। फिर इसको इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई जब लग जाए तो इसको पलट लेना है हमें। इसके पॉइंट इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। अब इसे हमें दोबारा पलट के फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच लगानी है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है। अब इसको पलट लेना है। हमारा कौनसे बनके तैयार है। ये लटकन बनाने के लिए हमें 6 इस तरह के कोन चाहिए, तो हमें 6 कोन बना के रेडी कर लिए अपने। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें भी इस तरह का एक कुशन, छोटा सा कुशन जैसा बनाना है। जिस साइज का आप कुशन बनाना चाहते हैं उतना कपड़ा काट लीजिए। इसकी हमें 3 साइड सिलाई लगानी है। यहाँ पे थोड़ा सा खुला छोड़ना है ताकि हम इसको पलट सकें। इसके सभी पॉइंट बाहर निकालने। फिर इसके अंदर हल्की सी कॉटन भर के हमें इस तरह का कुशन रेडी करना है। तो हमारी इस तरह की कोन रेडी है, हमारा कुशन रेडी है छोटा सा। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लटकन बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 3 मोती, 2 रिंग और 1 कलर की, 4 पोम-पोम बॉल और दूसरे कलर की 4, और ये मल्टी कलर की 2। आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इस तरह के 4 कोन लेने हैं। चारों को इस तरीके से पकड़ के हमें पक्का कर देना है। पक्का हो गया हमारा। अब हमें अपने पोम-पोम बॉल इसमें लगाने हैं।
कलर आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डाले हैं पिम पम बॉल, आप चाहे तो यहाँ पे पम पम बॉल और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, तो आपकी लड़कियाँ थोड़ी लंबी बन जाएगी। और भी हमारा ये कुशन यहाँ से खुला है, इसमें हम सुई निकालेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू ही कर लूँगी। अभी हमें सुई अपनी इस पॉइंट पे निकालनी है। अगर किसी का पॉइंट अच्छे से नहीं निकला हो तो पॉइंट अच्छे से निकाल लीजिए। इसमें हम एक नीचे गोल्डन मोती देंगे, आप वाइट मोती भी दे सकते हैं। अब हम सुई वापस अपनी यहाँ पे ऊपर निकालेंगे। अब हम यहाँ से अपनी सुई इस कोने में निकालेंगे और इस तरफ हमने जैसे किया है वैसा ही इस तरफ भी करेंगे। हमारा दोनों बाजू हो गया है, अब हम ऊपर करेंगे। ऊपर भी जैसे हमने नीचे किया वैसे ही करना है। यहाँ पे हमें 2-3 राउंड लगा के नोट बांध देना है। दो तीन नोट लगा के हमें सुई को वापस यहाँ नीचे लेके आना है। अब यहाँ पे हमें नोट लगानी है। नोट हमेशा डबल लगाएं। अब हल्का सा खींच के हमें यहाँ से कट करना है। इसे यहाँ पे धागे धागे दिखाई नहीं देंगे। अब जहाँ जहाँ पे भी धागे दिख रहे हैं थोड़े से उन्हें कट कर देना है, ताकि आपके काम में फिनिशिंग दिखाई दे। वैसे हमारी लटकन बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेंटर में कुछ लगा सकते हैं। आजकल गोटा पट्टी की फ्लावर काफ़ी फैशन में है, तो आप गोटा पट्टी की फ्लावर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं। आपके पास कोई बूटी हो, कोई बड़ा स्टोन हो, आप कुछ भी यहाँ सेंटर में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा यह
आइडिया पसंद आया हो, मेरी ये लटकन पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।